गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में, यानी हमारे संख्याओं की जानकारी। तो उसमें हमने कल पढ़ा था सम संख्या, विषम संख्या और प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि इनको हम कैसे चेक करें कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, और संख्याओं को हम कैसे बनाते हैं। जो हमारे पास अंक होते हैं उनसे हम संख्याओं को कैसे बनाते हैं, इसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि संख्याओं को कैसे बनाते हैं और उनको शब्दों में कैसे लिखते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा शब्दों में, यानी संख्या को हम शब्दों में कैसे लिखते हैं, है ना। तो संख्या को शब्दों में लिखने के लिए हमारे पास कोई संख्या है 7426, ये कोई संख्या है। इसको हम शब्दों में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसके बारे में कल आपको कुछ क्रम बताया था। कल बताया था ना कि इकाई अंक 10, अंक 100, अंक, ये सब मैंने आपको बताया था कि अगर हम इनकी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम कौन सी साइड से स्टार्ट होते हैं, राइट साइड से स्टार्ट होते हैं। कोई भी नंबर हो अगर वहाँ पे हमें ये काउंट करना हो तो हम इधर से राइट साइड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसको भी हम काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट प्लेस नंबर यानी इकाई अंक, ये हो गया हमारा 10 प्लेस नंबर यानी दहाई अंक, ये हो गया 100 प्लेस और ये हो गया 1000 प्लेस। फिर मैंने बात बताई थी कि जो यूनिट प्लेस इन इकाई एंड दहाई अंक है उनको साथ में राइट किया जाता है। सैकड़ा हमेशा अकेला रहता है, आगे अगर 10,000 हो तो 10,000 साथ में रहते हैं। अब देखो ये 7 यानी जो ये 7 है वो किस पे है, 7 यहाँ पे किस पे है, 7 यहाँ पे 1000 पे है। तो देखो हम ये लिखेंगे कि जो 7 है वो किसके साथ में है, 1000, 1000 पे है, तो ये हो गए 7000। और जो हमारा ये 4 है ना ये किस पे है, ये 4 है ना ये है 100 पे। और सैकड़ा होता है ना, इसको सैकड़ा नहीं लिखते, ये सैकड़ा तो वैसे काउंटिंग में होता है, जब इसको हम लिखते हैं तो 100 से लिखते हैं इसको। और इसका जो सिंबल यूज करते हैं वो भी हम ऐसे ही करते हैं, इसका 10 होता है, इसका 1 होता है ना। तो 400, अब ये देखो 26 है यानी 26, यानी इन दोनों को हम साथ में राइट करेंगे, इनको साथ में ही बोलेंगे, तो 26 यानी 26। तो जैसे जिसका जो क्रम होता है उसी के अकॉर्डिंग इनको राइट करते जाते हैं। देखो 7 यहाँ पे था 1000 पे, 7 था यहाँ पे 1000 पे, 4 था 100 पे, और 2 एंड 6 ये यूनिट प्लेस और 10 प्लेस था, तो इनको साथ में लिख दिया मैंने, 26 हो गई, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम अगर बड़ी संख्याओं की बात करें तो कुछ बड़ी संख्या राइट करते हैं, जैसे मैंने कर दिया 0, 2, 5, 6, 1, ये हमने एक बड़ी संख्या ली है। ऐसे ही इसको देखेंगे कि यहाँ इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया है, सबसे पहले हम इनको काउंट करेंगे कि भी हाँ यहाँ पे ये यूनिक प्लेस, ये हो गया 10 प्लेस यानी दहाई अंक, इकाई दहाई साथ में रखेंगे, ये 100 प्लेस यानी सैकड़ा, और ये हो गया 1000 और ये हो गया 10,000। मैंने बताया ना 1000 और 10,000 को साथ में रखेंगे, और ये किस पे आ गया, ये 1 लाख, लाख पे आ गया, 1 लाख नहीं 6 लाख, ठीक है। फिर है ना जो इंडियन सिस्टम होता है इसमें हम कोमा भी यूज करते हैं, तो पहली जो कोमा होती है वो आफ्टर 3 डिजिट, 3 डिजिट के बाद यूज होती है, और नेक्स्ट जो कोमा यूज होगी वो आगे 2 2 डिजिट के बाद ऐसे कोमा यूज होती रहेगी। ये हम क्वेश्चन में भी चर्चा करेंगे, वहां भी हमें कोमा का यूज करना है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा फास्टली चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो आप देखो यहाँ पे जो ये 6 है ना ये किस पे आ रहा है, 6 किस पे आ रहा है, लाख पे, 6 लाख पे आ रहा है, तो 6 लाख। अब देखो 0 2 यानी यहाँ पे देखो इस 0 का कोई महत्व नहीं रहा, ये केवल 2 है इसी को, यानी ये अगर 0 इस साइड होता तब तो ये 20 होता, बट इस साइड है इसका मतलब ये क्या है, 2 है, इसको 2 ही बोलेंगे। ऐसे नहीं है कि 0 2, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, केवल क्या बोलेंगे, इसको 0 ही बोलेंगे, ठीक है ना। अब ये हो गया 2000,
अब देखो ये फाइव किस पे आ रहा है, फाइव आ रहा है सौ पे, सैकड़ा पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 500। अब मैंने लास्ट में बताया ना जो इकाई अंक और दहाई अंक है इनको साथ में रखते हैं, तो इनको भी हम साथ में रखेंगे तो ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 61, 61। ठीक है, तो ये आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि कैसे हुआ। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं इसी पे। तो अभी इसमें अगर हम एक छोटा एग्जाम्पल ले, जैसे मैंने एक छोटी संख्या लिख दी, अगर मैं एक छोटी संख्या लेता हूँ इसमें 102, अब ये सबसे छोटी संख्या है, इसको भी हम इन वर्ड में राइट करेंगे, तो वर्ड में राइट करेंगे यानी शब्दों में अगर इसको लिखेंगे तो देखो कैसे हो जाएगा। आप पहले तो इनकी काउंटिंग करेंगे, ये हो गया इकाई अंक, ये हो गया दहाई और ये हो गया सैकड़ा। मैंने बताया ना इकाई दहाई साथ में रखते हैं और सैकड़ा हमेशा अकेला रहता है, सैकड़ा पे एक ही अंक रहता है, जैसे हजार 10,000 पे दो हो सकते हैं पर सैकड़ा पे अकेला अकेला एक अंक रहता है, इसीलिए एक अकेला एक हो गया, वन हो गया, और ये जीरो और टू ये साथ में रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबको पता है ये बहुत ईजी है, इसको तो हम लिख सकते हैं 102, ये हो गया 102। ओके स्टूडेंट, तो शब्दों में ऐसे लिखा जाता है और कोमा यूज करने का भी मैंने आपको रूल बता दिया, कोमा हम यूज करते हैं आफ्टर, पहली कोमा हम यूज करते हैं आफ्टर 3 डिजिट, और अगर आगे कोमा यूज करनी है तो टू टू डिजिट के बाद यूज करते रहते हैं। ये तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग बात हो रही है, भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार, भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार ऐसा होता है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल की, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की, तो वो अलग होती है, वो हम क्वेश्चन में चर्चा भी करेंगे। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, लास्ट एंड फाइनल एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ये हो गया इकाई अंक, दहाई, इकाई दहाई साथ में राइट करेंगे, अब ये हो गया सैकड़ा और ये हो गया हजार एंड 10,000 और ये हो गए लाख एंड 10 लाख। तो मैंने बताया ना कि देखो हजार और 10,000 साथ में रहते हैं, लाख और 10 लाख साथ में रहते हैं, और ये सैकड़ा जो होता है ना वो अकेला रहता है, सैकड़ा अकेला रहता है एक, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कोमा की, तो आपको पता है ना कोमा कैसे, पहली जो कोमा है वो आफ्टर 3 डिजिट यानी 3 डिजिट के बाद, तीन तीन अंक के बाद यूज करेंगे, कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद, और जो नेक्स्ट कोमा होगी वो 2 अंक, और यहाँ पे कोमा यूज नहीं करेंगे क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है, तो 2 2 डिजिट के बाद कोमा यूज होगी। अब इसका हम अगर आंसर लिखेंगे तो देखो ये 10 है ना, जो अब जब हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो ये 10 किस पे आता है, देखो काउंटिंग कर लो, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 किस पे आ रहा है, लाख पे, तो 10 है वो हमारा आ रहा है लाख पे, तो ये 10 लाख हो गया। और ये जो 25 यानी जो 25 है वो कहाँ पे आ रहा है, 25 कहाँ पे आ रहा है, ये 25 इकाई ढाई सैकड़ा हजार, हजार पे आ रहा है 25 यानी इसको साथ में रखेंगे तो ये 25 हो गए, और 25 किस पे आ रहे हैं, हजार पे आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25,000। अब बात करते हैं इन छह की, वो छह कहाँ पे आ रहा है काउंटिंग में, देखो छह कहाँ पे आ रहा है, इकाई ढाई सैकड़ा पे आ रहा है, तो छह है वो आ रहा है सैकड़ा पे, और आपको पता है सैकड़ा को हम 100 से लिखते हैं, तो 600। अब देखो ये 3 और 1 है ना, इनको साथ में बोलेंगे, और ये आ रहा है इकाई और दहाई पे, तो 3 और 1 को साथ में बोलेंगे तो 31 हो गए, 31 यानी 31, 31। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ये शब्दों में हो गया, हो गई शब्दों की बात। अब हम बात करते हैं छोटी और बड़ी संख्या की, यानी भाई छोटी संख्या कौन सी होती है, बड़ी संख्या कौन सी होती है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। और उससे पहले देखो अंक मैंने आपको बता दिए, अभी अगर मैं बात करूं अंकों से संख्या बनाने की, अगर मैं बात करूं अंकों से संख्या बनाने की, तो देखो कैसे बनाते हैं, हमारे पास कुछ एक अंक दिए गए हैं
और उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। एक अंक को केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं। एक अंक को एक बार यूज करते हुए हमें अगर संख्या बनानी है तो कैसे बनाएंगे? देखो फिर, अब ये हो गया अंकों से संख्या बनाना। अब हम सीखेंगे कि अंकों से संख्या कैसे बनती है। देखो, एक क्वेश्चन डाल लेता हूं मैं पहले इसको अच्छे से समझने के लिए। अंक 1, 3, 5, 9 व 7 से बनने वाली देखो आप कितने अंक है, ये 5 अंक है, तो बनने वाली पांच अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या। ऐसे तो हम बहुत सारी संख्या बना सकते हैं इनसे, हम कम से कम 10-15 संख्या बना सकते हैं, पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं केवल बड़ी व छोटी संख्या की। तो हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी संख्या वह सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी वह सबसे छोटी संख्या लिखिए। ये हमारा एक अच्छा सा क्वेश्चन हो गया कि भी हमें संख्या बनानी सीखनी है, हमारे पास कुछ अंक अवेलेबल होंगे, उनसे हम सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या कैसे बनाते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, अगर हम पहले सबसे बड़ी संख्या बनाने की ट्राई करते हैं, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं, तो सबसे पहले हम बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, सबसे बड़ी संख्या की जहां बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास जो दिए गए अंक है, जो ये दिए गए अंक है ना, एक तो हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 9 और 7, ये जो अंक है, इन अंकों में अगर हम बड़ी संख्या बना रहे हैं इन अंकों से, तो सबसे पहले बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा अंक लिखा जाएगा, सबसे बड़ा अंक लिखा जाएगा। अब आपको पता है इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है, सबसे बड़ा अंक यहाँ पे है 9, तो हम सबसे पहले 9 को राइट करेंगे। उसके बाद देखो 9 से छोटा क्या है, 7, और 7 से छोटा अंक क्या है, 5, और 5 से छोटा क्या है स्टूडेंट, 3, और 3 से छोटा 1। अब ये आ गई पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गई। क्या आ गई, ये सबसे बड़ी संख्या आ गई। देखो 9, 7, 5, 3, 1, यानी 97,531, ये आ गई सबसे बड़ी संख्या। अगर अब मैं बात करूं इस सबसे छोटी संख्या की, तो देखो अब अगर मैं बनाऊं यहाँ पे सबसे छोटी संख्या, अगर अब मैं बना रहा हूं यहाँ पे सबसे छोटी संख्या, तो जैसा अभी हमने देखो बड़ी संख्या के लिए स्टार्टिंग में सबसे बड़ा अंक राइट किया था, यानी जब हम बड़ी संख्या बनाते हैं तो स्टार्टिंग में हम सबसे बड़ा अंक राइट करते हैं, ऐसे ही अगर हम सबसे छोटी संख्या बना रहे हैं, सबसे छोटी, यानी देखो इसने जो पूछा है वो सबसे छोटी संख्या का पूछा है, तो जब हम सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सबसे छोटा अंक जो होता है वो राइट करते हैं। और यहाँ पे सबसे छोटा अंक आपको भी पता है क्या है, 1, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 7, और उसके बाद क्या है 9। तो स्टूडेंट ये हो गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। अब समझ में आ गया कि संख्या कैसे बनाई जाती है, जो अंक दिए जाते हैं उनसे संख्या कैसे बनाई जाती है, छोटी और बड़ी संख्या, है ना। तो देखो जब हम छोटी और बड़ी संख्या का कंपैरिजन करते हैं तो पहले हम काउंट करते हैं कि भी इसमें अंक कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट इसमें क्या है और नंबर ऑफ डिजिट इसमें क्या है,
इनकी हम कंपैरिजन करते हैं, जब हम पता चल जाता है कि भी इसमें 5 डिजिट है और इसमें भी 5 डिजिट है, तो उसके बाद हम जो इधर से जो लास्ट डिजिट होती है ना उसकी कंपैरिजन करते हैं, वो जिसमें बड़ा होगा वही संख्या बड़ी कहलाएगी। अब देखो इसमें 9 है और इसमें 1 है, तो बड़ा अंक कौन सा है? ये है, तो ये छोटा है, तो ये संख्या बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई। देखो इसमें सेम अंक है, नंबर ऑफ डिजिट क्या है, इसमें भी 5 है और इसमें भी क्या है 5 है, तो यानी सेम डिजिट है। अगर हम अब बात करें यहाँ पे छोटी व बड़ी संख्याओं की तुलना की, छोटी व बड़ी संख्या की तुलना, तुलना बोल दो चाहे आपके बुक में पहचानना लिखा है, छोटी व बड़ी संख्या को पहचानना, तो एक ही बात है, सबसे छोटी व बड़ी संख्या की तुलना कह दो चाहे कह दो आप लोग पहचान करना। तो अब देखो छोटी और बड़ी संख्या की चर्चा में मैंने अभी आपको बताया था कि हम इसमें काउंट कर लेते हैं कि इसमें कितने डिजिट है यानी कितने अंक है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक एग्जांपल के लिए एक संख्या लिखी है 375 और इधर मैंने लिख दिया 3705। अब आपको इन दोनों में पहचान करनी है कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो मैंने अभी जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि पहले इनमें आप काउंट कर लो कि इसमें कितने अंक है, इसमें कितने अंक है, इसमें 3 अंक है और इसमें कितने अंक है 1 2 3 4 अंक है। तो आप देखो स्टूडेंट इसमें तो 3 अंक है, इसमें 4 अंक है, तो इसका मतलब ये डिजिट क्या है, बड़ी है। देखो इसमें जो थर्ड वाला अंक है ना वो 3 है और इसमें थर्ड वाला अंक क्या है 7 है। वैसे अगर 3 3 की कंपेरिजन करें तब भी ये संख्या बड़ी है, और अगर हम अंकों के आधार पे अगर बात करें तो इसमें तो अंक कितने हैं, इसमें तो अंक है ओनली 3 और इसमें कितने अंक है, इसमें 4 अंक है, इसका मतलब ये वाली डिजिट क्या है, बड़ी है। और जिधर बड़ी होती है ना उस साइड ऐसे करते हैं, उस साइन इसका जो मुख है वो खुला रहता है, इस साइन का ये बड़े और छोटे का साइन होता है, और अगर बराबर होती है तो वहाँ पे इक्वल भी लिख सकते हैं हम। जैसे मैंने लिखा 215 और 215, अब ये दोनों संख्या क्या है, देखो इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट 3 है, इसका मतलब ये दोनों डिजिट क्या है, देखो इक्वल है। वैसे डिजिट के आधार पे इक्वल है, फिर हम कंपैरिजन करते भी यहाँ पे 2 है यहाँ पे भी 2 है, यानी इधर भी 200 है इधर भी 200 है, इधर 215 है इधर भी 215 है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो बात समझ में आ गई ना कि संख्याओं की तुलना हम कैसे करते हैं। अब मैं एक संख्या और लेता हूं, इधर तो मैंने ले लिया, अब एक संख्या ली है मैंने, इधर तो है मेरे पास 9997 और इधर मेरे पास है 9987। तो देखो अभी मैं बात कर रहा था कि पहले हम काउंट करके देखते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट क्या है यानी कितने अंकों की संख्या, ये यहाँ पे बात की थी ना हम अंकों की संख्या की, तो वैसे ही हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि इसमें कितने अंक है। तो देखो स्टूडेंट इसमें कितने अंक है, इसमें 4 अंक है और इसमें भी कितने अंक है, इसमें भी 4 अंक है, यानी दोनों साइड अंक क्या है सेम है। फिर अब अगर हम देखो, आप देखो अंकों के आधार पे इसमें 4 4 अंक बराबर है, अब बड़ी छोटी की पहचान करनी है, तो देखो इसमें जो लास्ट जो इधर जो 1000 पे जो अंक है वो इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, और अगर मैं बात करूँ सैकड़ा पे तो सैकड़ा पे इसमें भी 9 है इसमें भी 9 है, यानी यहाँ तक तो दोनों सेम आ रही है, अभी तक तो हमें पता ही नहीं चला कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अब मैं बात करता हूँ ढाई अंक की, तो इसमें देखो इसमें ढाई अंक क्या है, इसमें ढाई अंक क्या है, इसमें ढाई अंक है वो है 9 और इसमें ढाई अंक क्या है, इसमें ढाई का अंक क्या है, इसमें ढाई का अंक है 8 और इकाई इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, दोनों में सेम है ना, देखो दोनों में सेम है। अब हमारे जो चर्चा का जो विषय रहा वो ये रह गया कि देखो इसमें ढाई पे 9 है और इसमें भी ढाई पे क्या है 8 है। अब देखो अगर हम यहाँ पे तुलना कर सकते हैं तो इसकी कर सकते हैं, यहाँ पे 97 है यहाँ पे 87 है। अब आपको बड़ा है ना पता है ना कि बड़ा कौन सा होता है, बड़ा होता है 97 स्टूडेंट, तो ये वाली जो संख्या है ना ये संख्या क्या आ गई, बड़ी हो गई।
ये संख्या बड़ी हो गई और ये क्या हो गई, ये हो गई छोटी। तो स्टूडेंट बात समझ में आ गई ना कि बड़ी संख्या कौन सी होती है और छोटी संख्या कौन सी होती है, ठीक है ना। तो ये वाली संख्या तो हमारी हो गई बड़ी संख्या और ये वाली हो गई हमारी छोटी संख्या। और इनमें हम कंपैरिजन करते हैं इन अंकों के आधार पे। और अंकों के आधार पे यहाँ देखो, यहाँ पे जो हजार और सैकड़ा पे जो अंक थे ना, वो इसमें भी सेम थे, दोनों में सेम थे। देखो 99 और इसमें भी 99, तो अंतर कहाँ था? अंतर था ढाई के अंक पे। ढाई का अंक इसमें 9 था और इसमें क्या था? 8 था। तो हमें पता है जो अंक बड़ा होगा वही डिजिट बड़ी होगी, तो इसमें 9 बड़ा आ रहा था, तो स्टूडेंट ये संख्या क्या हो गई? बड़ी हो गई। तो ये बात हो गई कि अंकों के आधार पे हम संख्या कैसे बनाते हैं और छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं। अगर बड़ी संख्या बनानी हो तो सबसे पहले हम बड़ा अंक लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, एंडिंग में सबसे छोटा अंक जो हमें दिया है उनमें से, जो हमें दिया है उनमें से, ओके। और अगर हमें छोटी संख्या लिखनी है तो स्टार्टिंग में हम छोटा अंक लिखेंगे, फिर बड़ा, एंडिंग में सबसे बड़ा। तो ये तो छोटी और बड़ी की बात हो गई। फिर हमें संख्याओं की तुलना करनी थी, तो तुलना कर ली हमने बड़ी छोटी। अब देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो रहता है आरोही व अवरोही क्रम। आरोही व अवरोही क्रम, देखो जब हम आरोही और अवरोही क्रम की बात करते हैं तो ये होता क्या है आरोही और अवरोही क्रम? कई बार हम प्रेयर वगैरह में होते हैं तो हमें बोला जाता है ना कि आरोही क्रम में लाइन बना लो। अब आप बताओ आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम यानी एक कोई भी संख्या या किसी पे, कहीं पे कोई व्यक्तियों को खड़ा करना हो, या आर्मी में जैसे लाइनें बनानी हो, या हमें कोई सामान रखना हो, यानी अच्छे से दिखाई दे, इसके लिए हम क्रम यूज करते हैं। और संख्याओं में भी ऐसा ही होता है, छोटे से बड़े का जो क्रम होता है ना उसको हम बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही व अवरोही क्रम की बात कर रहे हैं हम। तो देखो आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है, दोनों को साथ में लिख रहा हूं मैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आरोही क्रम व अवरोही क्रम, ये हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, आरोही क्रम व अवरोही क्रम। चलो स्टूडेंट पहले मैं बात कर लेता हूं आरोही क्रम की। जो हम प्रेयर में जो लाइन बनाते हैं वो कौन से क्रम में बनाते हैं? आरोही क्रम में, छोटे से बड़े का क्रम। इस क्रम में क्या है? छोटे से बड़े का क्रम। तो इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, छोटे से बड़े का क्रम आरोही क्रम कहलाता है। यानी छोटे से बड़े का क्रम, यानी देखो अगर हम प्रेयर में ऐसे लाइन बनाते हैं तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे छोटा होता है वो खड़ा होता है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। तो ये क्रम क्या क्रम कहलाता है? ये जो क्रम होता है ना इस क्रम को हम बोलते हैं, देखो छोटे से बड़े का क्रम, पहले जो हाइट में छोटा था वो खड़ा हुआ, उसके बाद इससे बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे। तो ये जो क्रम चलता है ना, ऐसे ऐसे जो क्रम चलता है इस क्रम को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इस क्रम को हम बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलते हैं इस क्रम को? आरोही क्रम। तो याद रखना छोटे से बड़े का क्रम क्या कहलाता है? छोटे से बड़े का क्रम, छोटे से बड़े का क्रम क्या कहलाता है? जब छोटा पहले आता है और बड़ा बाद में आता है, छोटे से बड़े का क्रम, ऐसे क्रम चलता है जो छोटे से बड़े की ओर, वो क्रम क्या कहलाता है? आरोही क्रम। आरोही क्रम। अब जैसे देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा उसको समझना। अभी आपके पास कुछ संख्या होगी, कुछ संख्या दी जाएगी आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ये क्वेश्चन, इसको हम क्वेश्चन से समझ लेते हैं। निम्न को
या निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखो। अब आपके पास कुछ संख्या है, उनको आरोही क्रम में लिखना है। जैसे पहले आ गया 121, 97, 1001, 1286। ये एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इसमें आपको क्या करना है, आरोही क्रम लिखना है। तो आंसर लिखे, आपको कौन से क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। और आपको पता है आरोही क्रम होता है, वो होता है छोटे से बड़े का। तो सबसे पहले हम जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको लिखेंगे। तो देखो ये दो डिजिट है ना, सॉरी ये जो दो नंबर है वो टू टू डिजिट के हैं, टू टू डिजिट के ना। तो इसमें हम कंपेरिजन कर लेते हैं कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। तो सबको पता है कि 86 क्या है, छोटा है। और फिर आ जाएगा 97 बड़ा हो गया। अब ये टू डिजिट है ना, ये इसमें थ्री थ्री डिजिट है। इन टू नंबर में यानी ये दो संख्या है उनमें थ्री थ्री अंक है। अब इनकी बात करते हैं तो पहले कौन सी आएगी, देखो 121 आएगा या 112 आएगा। तो 100 तो दोनों में ही है। अब बात रही इसमें 21 है और इसमें क्या है 12 है। तो 21 बड़ा होता है और 12 क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका मतलब 112 को पहले लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 121 को। अब हमारे पास ये जो संख्या रही है, इस संख्या में देखो अंक कितने हैं, इसमें 4 अंक है, यानी ये संख्या सबसे बड़ी है। देखो इन दोनों में 2-2 अंक थे, इसमें 3 थे, इसमें 4 है, यानी ये सबसे बड़ी है क्योंकि इसमें अंक भी तो ज़्यादा है ना। तो ये सबसे बड़ी हो गई। ये आ गया आपका कौन सा क्रम, आरोही क्रम। और आरोही क्रम में जब हम संख्या लिखते हैं तो इनके बीच यहाँ कोमा भी लगानी होती है। अगर कोमा नहीं लगाएंगे तो ये दोनों संख्या साथ में हो जाएगी स्टूडेंट, इसलिए आंसर रॉन्ग होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये तो हो गया हमारा आरोही क्रम। तो देखो अब बात करते हैं हम अवरोही क्रम की। आरोही क्रम हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब हम बात करते हैं अवरोही क्रम की। अवरोही क्रम क्या होता है, तो अवरोही क्रम है वो इसका अपोजिट होता है। जैसे इसमें हमने पढ़ा ना, जस्ट इसका अपोजिट होता है वो अवरोही क्रम। अब देखो हम बात कर लेते हैं अवरोही क्रम की। अवरोही क्रम, अब देखो अवरोही क्रम मैंने अभी बता दिया आपको कि ये आरोही क्रम का जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब इसमें सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा बड़े से छोटे का क्रम, बड़े से छोटे का क्रम अवरोही क्रम कहलाता है। तो स्टूडेंट समझो आगे ना बात की, छोटे से बड़े का जो क्रम होता है, छोटे से बड़े का होता है वो तो होता है आरोही, और बड़े से छोटे का जो होता है यानी बड़े से छोटे का क्रम ऐसे उल्टा चलता है, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा एंडिंग में सबसे छोटा, तो वो क्रम कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है अवरोही क्रम। वो क्रम क्या कहलाता है, का क्रम अवरोही क्रम कहलाता है। ठीक है, बात समझो आगे ना कि ये दो बातें थी यहाँ पे, एक तो बड़े से छोटा और एक छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़ा होगा वो तो हो जाएगा आरोही, और जो बड़े से छोटा होगा वो क्या हो जाएगा अवरोही, यानी जिसमें पहले बड़ा आएगा वो क्या हो जाएगा अवरोही, और जिसमें पहले छोटा आएगा वो हो जाएगा आरोही। अब इसको समझने के लिए क्वेश्चन लेते हैं, एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं।
अब एक क्वेश्चन आ गया कि निम्न को या निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखे, अवरोही क्रम में लिखिए। अब अगर इसको अवरोही क्रम में लिखना है, जो हमारे पास गिवन संख्या है उनको ये कोई संख्या है, इसको कौन से क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में। तो इसका सॉल्यूशन देखो, हम बात कर रहे हैं अवरोही क्रम की। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। अगर अवरोही क्रम की बात करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, और अब इसमें देखो बड़ी संख्या जिसमें ज़्यादा अंक होंगे वो बड़ी संख्या होगी। इसमें देखो तीन अंक है और इसमें भी तीन अंक है, तीन अंकों की दो संख्या है हमारे पास। और इसमें जो लास्ट जो अंक है वो सेवन है और इसमें जो लास्ट अंक है वो वन है। इधर लास्ट लेफ्ट साइड का जो पहला अंक है वो इसमें सेवन है और इसमें वन है। तो बड़ा कौन सा होता है? सेवन होता है। इसका मतलब ये संख्या बड़ी है, क्योंकि अभी हमने छोटी बड़ी संख्या की चर्चा की थी, वहाँ मैंने बता दिया था आपको। फिर ये छोटी संख्या आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट जो संख्या है ना वो टू टू डिजिट की है, यानी इन दोनों संख्याओं में क्या है, दो दो अंक है। तो देखो आप बात करते हैं हम दो अंकों की, तो दो अंकों में जो इधर का लेफ्ट साइड का जो पहला अंक है वो इसमें नाइन है, इसमें थ्री और इसमें सिक्स है। तो आपको पता है नाइन बड़ा होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 92, फिर लिखेंगे हम 63 और फिर लिखेंगे 31। ये हो गया अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है, बड़े से छोटे का क्रम होता है। ओके स्टूडेंट, बात समझो आ गई ना कि अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है। तो आरोही क्रम में हम पहले छोटी संख्या को लिखते हैं फिर बड़ी संख्या की ओर जाते हैं, वो तो होता है हमारा आरोही क्रम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अवरोही क्रम की। अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे फिर छोटी फिर छोटी, यानी बड़े से छोटे का क्रम उल्टा चलता है इसमें क्रम, पहले बड़ा आता है फिर छोटा फिर छोटा, वो क्रम कौन सा होता है, अवरोही क्रम। और एक बात अगर मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ तो जो ये देखो ये है हमारा आरोही क्रम। देखो आरोही और अवरोही में देखो ध्यान से, छोटा नाम कौन सा है, आरोही देखो छोटा नाम है, अवरोही कुछ बड़ा है। तो देखो याद रखना, जो छोटा है उसमें पहले कौन सी संख्या आएगी, छोटी, और जो बड़ा है उसमें सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, बड़ी। तो देखो आप अगर शॉर्ट ट्रिक याद रखना चाहो तो ये हो जाएगा, ये छोटा नाम है इसमें पहले कौन सी संख्या आएगी, छोटी। ये बड़ा नाम है इसमें सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, बड़ी। बड़ा नाम बड़ी संख्या, छोटा नाम छोटी संख्या, इतना याद रख लेना तो ये पूरा क्रम याद रह जाएगा। आप देखो क्वेश्चन में ये कैसे आता है, क्वेश्चन में दोनों साथ में भी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में दोनों को साथ में पूछा जाता है। कैसे, उसी की चर्चा कर लेते हैं, कैसे पूछा जाता है दोनों साथ में। एक आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाएगा और उसमें ये बोल दिया जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा निम्न संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिखिए। अब दोनों एक ही क्वेश्चन में पूछ रहा है वो, और जो संख्या है वो है आपकी 63, 102, 84, 212 और 54। ये आपकी कोई संख्या है और इसे लिखना है आरोही और अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम लिख लेते हैं आरोही क्रम। तो आरोही क्रम मैंने अभी बताया, छोटा नाम छोटी संख्या, तो छोटा नाम है यानी पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे। देखो हमारे पास दो अंक की तीन डिजिट हैं,
और उसमें छोटी कौन सी है, 54, 63, 84, कौन सी छोटी है, 54, उसके बाद 63, उसके बाद 84, ये तो दो अंकी संख्या हो गई। अब तीन अंकी हमारे पास दो संख्या हो रहे हैं, 102 और 212, तो 100 देखो 100 और यहाँ पे 200, 100 यहाँ पे 200, 100 इसमें 200, तो 100 वाली है ना वो छोटी है और इसमें 200 ये बड़ी है। ये हो गया छोटे से बड़े का क्रम, छोटे से बड़े का क्रम होता है आरोही क्रम। अब इसी के दूसरे क्रम की बात करते हैं, वो हो गया अवरोही क्रम, एक ही क्वेश्चन में दोनों बात पूछ लेता है, तो ऐसे ही करना है। आप बताए ना अवरोही क्रम बड़ा नाम है, देखो ये छोटा नाम, ये बड़ा नाम, बड़ा नाम यानी बड़ी संख्या। अब देखो ये जो क्रम है इसका अपोजिट हो जाएगा, बड़ी संख्या ये आ जाएगी, फिर इससे छोटी आ जाएगी, फिर 84 इससे छोटी, फिर 63, फिर 54, इसका उल्टा सिस्टम हो गया इसमें, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा आरोही और अवरोही क्रम। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब तक आपका बेसिक कंप्लीट हो गया, अब ये चीज़ हम वापस एक्सरसाइज में रिपीट करेंगे, इनसे रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।